आखिर किस बॉलीवुड एक्टर ने शाहरुख खान के अगले प्रोजेक्ट फिल्म पठान के लिए किए कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स, और इस पर क्या रहा एक्टर शाहरुख खान का रिस्पांस? बॉलीग्रिड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म पठान और इस फिल्म से जुड़ी बेहद इंटरेस्टिंग और अनजान फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही अपनी बहुचर्चित फिल्म पठान लेकर आने वाले हैं। आखिरी बार शाहरुख जीरो में नजर आए थे तो वही इससे पहले शाहरुख जब हैरी मेट सेजल में दिखे थे। साल 2018 में आई फिल्म जीरो के बाद से अब तक शाहरुख खान बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए। बीच में कोरोना की वजह से भी शाहरुख की फिल्मों का काम अटक गया। अब शाहरुख के फैंस बेसब्री से पठान अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर KRK ने शाहरुख की पठान को लेकर दो ट्वीट किए। KRK ने शाहरुख खान की फिल्म को लेकर कहा, SRK ने पिछले 3-4 सालों से कोई फिल्म नहीं की तो मुझे लगा कि वो अब कोई ब्रिलियंट स्टोरी ही लेकर आने वाले हैं। लेकिन अब पठान की स्टोरी क्या है? शाहरुख फिल्म में रॉ एजेंट बने हैं, जॉन अब्राहिम रशियन माफिया बने हैं और दीपिका पादुकोण बनी है फिल्म में पुलिस वाली। अब शाहरुख सोच रहे हैं कि फिल्म हिट होगी। आर यू सीरियस? क्या तुम सीरियस हो ब्रो? KRK ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अभी अभी बैंग बैंग और वार देखी, इसके अलावा कुछ इंग्लिश एक्शन फिल्में भी देखी है। ये सारे सीन्स आपको पठान में देखने को मिलेंगे। पक्की बात है कि फिल्म फ्लॉप होने वाली है। शाहरुख की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऋतिक रोशन के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। KRK के इस ट्वीट के सामने आने के बाद ढेरों लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि कमल आर खान ने बिल्कुल पॉइंट की बात पकड़ी, तो किसी ने शाहरुख का पक्ष लेते हुए कहा, शर्मानी चाहिए तुम्हें, एक शख्स इतनी मेहनत और मुश्किल से अपना काम बना रहा है और तुम चटके में खराब करने की कोशिश कर रहे हो। शाहरुख का इस ट्वीट पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है और इस बात से ये तो क्लियर है कि शाहरुख इस पर कोई अटेंशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है और पठान की शूटिंग में फिलहाल व्यस्त है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो शाहरुख खान पिछले 2 साल से फिल्मों से गायब है। साल 2018 में आई फिल्म जीरो की असफलता के बाद शाहरुख खान 1 साल तक किसी अन्य फिल्म पर बातचीत से बचते रहे। इसके बाद समय समय पर ये खबरें आती रही कि शाहरुख खान धूम 4, डॉन 3 जैसी फिल्मों की तैयारी कर रहे हैं। खबरें ये भी आई कि शाहरुख खान आशुतोष गोवारिकार के साथ फिल्म करने वाले हैं। इस बीच शाहरुख खान ने अनु मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग भी पूरी की। ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान केमियो रोल में है। बीते महीने खबर आई कि शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ एक सोशल मीडिया कॉमेडी फिल्म करने वाले हैं, जिसमें वो पंजाबी किरदार निभाएंगे। ये फिल्म कनाडा जाने वाले सिखों की कहानी होगी। इस फिल्म की कनाडा में शूटिंग भी होने वाली थी लेकिन मंजूरी न मिलने की वजह से फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग होल्ड पर है। इस बीच ये खबर आ रही है कि शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म करने वाले हैं और इसके जल्द अनाउंसमेंट होने के साथ ही इसकी शूटिंग अक्टूबर में शुरू हो सकती है। फिलहाल तो फिल्म की घोषणा कब होगी इस पर सबकी नजर है। तो दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपको शाहरुख खान के अपकमिंग मूवीज का कितना है इंतजार? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।